न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने रुख पर कायम हूं और मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। राहुल गांधी ने इशारे इशारे में कहा कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें सीएम पद छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमने उदयपुर के चिंतन शिविर में जो वादा किया था उसे निभाया जाएगा। टेरर फंडिंग मामले में NIA और ED ने आज 13 राज्यों में PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में PFI प्रमुख ओमा सालम समेत संगठन से जुड़े 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। NIA और ED की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में की गई। PFI के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। चीफ इमाम इलियासी से मिलने के लिए संघ प्रमुख भागवत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। इमाम इलियासी और भागवत के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई जो एक घंटे से ज़्यादा चली। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरुवार को दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई और बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके फैमिली मेंबर्स कॉमेडियन सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडारकर समेत कई सेलेब्स मौजूद रहे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली के दशरथपुर द्वारका से उनकी शवयात्रा शुरू हुई जिसमें बड़ी संख्या में राजू के फैंस भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक के लिए 60 लाख रुपए के अंतिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाले अपने 2017 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 60 लाख रुपये प्रति परिवार अंतिम मुआवजे के आदेश में संशोधन नहीं होगा क्योंकि यह इस अदालत के आदेश की एक वास्तविक समीक्षा होगी। हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोक दल 25 सितंबर को फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम के जरिए इनेलो भाजपा विरोधी पार्टियों को एक मंच पर जुटाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए विपक्ष के कई नेताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, कनीमोजी, फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं ने हरियाणा में इनेलो की रैली में शामिल होने के लिए सहमति जताई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के PM नरेंद्र मोदी की एक बार फिर तारीफ की है। एक स्पीच के दौरान इमरान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की देश के बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं की दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के PM की विदेशों में अरबों रुपये की प्रॉपर्टी और करोड़ों का कारोबार है। भाजपा ने इस साल के आरंभ में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 340 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने सबसे ज़्यादा 221 करोड़ रुपए UP में खर्च किया। वहीं कांग्रेस ने इन राज्यों में प्रचार पर 194 करोड़ रुपए खर्च किए। दोनों प्रमुख दलों के चुनाव खर्च पर आई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। चुनाव खर्च रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने यूपी में सबसे ज़्यादा 221 करोड़ रुपये, मणिपुर में 23 करोड़, उत्तराखंड में 43.67 करोड़, पंजाब में 36 करोड़ से ज़्यादा और गोवा में 19 करोड़ रुपए खर्च किए। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि असम सरकार मौजूदा कानून के तहत राज्य के सभी निजी मदरसों को नियंत्रित कर सकती है। राज्य के कई मदरसा शिक्षकों को आतंकी संगठनों से कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद यह प्रस्ताव चर्चा में है। पेगू ने कहा, हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है लेकिन सरकार इस बात पर विचार कर रही है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने राज्य क्रिकेट संघों से कहा है कि बोर्ड अगले साल की शुरुआत में महिला IPL शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। गांगुली ने सभी राज्य संघों को 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सत्र पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि BCCI महिला IPL पर काम कर रहा है।